जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मानसी क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल ले आपण मानंकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम जानिबा सिंह राशि व्यक्ति मानंक पई 2020 एप्रिल मासर 8 रु 14 तारीख अर्थात द्वितीय सप्ताहटी किपरी कटिबो, किपरी एही सप्ताहटी आपणंक पई शुभ अखास रहिबो, केउ कार्य आपणंकु शुभ ओ लाभ फल प्रदान करिबो, तो केउ कार्य आपणंक पई अशुभ ओ क्षतिकारक साब्यस्त हेबो, एहा सह वीडियो शेषरे किछि प्रतिकार विषय मध्ये जानिबा जहा आपणकर दैनंदिन जीवन को सरल सुंदर और सुखमय करि देबो। एहा सह एही सप्ताहर शुभ रंग और शुभ अंक विषय मध्ये जानिबा, एणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु और वीडियोटी को गोटे लाइक करिनेबा सह आम चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को भी क्लिक करि दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा ए सप्ताहर संपूर्ण राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा 8 तारीख विषय। फ्रेंड्स, 8 तारीख रे चंद्रमा आपणकर नवम भाग अर्थात आपणकर भाग्य स्थान रे गोचर करिबे, जहा आपणक पई महाभाग्यशाली सब्यस्त हेबो। एही दिन रे निज भाग्यर भरोसा रे जहा भी कार्य करिबे से सबु पूर्ण हेबो, सफलता निश्चिंत रूपे आपणकु प्राप्ति हेबो। स्वभाव रे धार्मिकता नजर धर्म कर्म कार्य मनोयोग देवा सह धार्मिक यात्रार मध्य जोग रही। गृहरे मांगलिक कार्य मध्य आज अनुष्ठित हेबो। परिवार बंधु बांधव और साहि पडिसंक सहित संपर्क रे मधुरता देखा देबो। समाज सेवा भली कार्य रे आज मनोयोग देबे। शारीरिक शक्ति रे विकसित हेबा सह दान धर्म भली पुण्य कर्म करि आज प्रसन्नित हेबे। प्रत्येक कार्य को सत्य अनिष्ठ सह संपूर्ण करिबे। कर्म कम करी मध्य अधिकरु अधिक फल प्राप्ति करिबे। व्यापार और चाकरी उभय क्षेत्र रे उन्नति सब्यस्त हेबो। विद्यार्थी मानंक पई मध्य समय शुभ सब्यस्त हेबो। मौज मजलिस रे दिनटी को व्यतीत करिबे। एबे जानिबा 9 और 10 तारीख विषय। चंद्रमा आपणकर दशम भाग अर्थात कर्म क्षेत्र रे गोचर करिबे, जहा आपणक पई दिन शुभ और लाभदायक सब्यस्त हेबो। चाकरी अपेक्षा व्यापार क्षेत्र रे अधिक सफलता प्राप्त करिबे। व्यापारी माने निज योजना मुताबक कार्य करी लाभान्वित हेबे। पूंजी निवेश पई उत्तम दिन अटे। स्वल्प पूंजी निवेश करी मध्य अधिकरु अधिक लाभ प्राप्त करिबे। जदि व्यापार क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन करिया पई चाहुथांती किंबा नूतन व्यापार आरंभ करिबे पई चाहुथांती, तेबे एही दिन गुडी को आपण उत्तम सब्यस्त हेब। सुख संपत्ति प्राप्त हेबा सह अनेक दिनरु अटकी रहितबा बकेया टंका पुनश्च प्राप्त हेब। किंतु आजिर दिनरे काहाकु मध्य टंका उधार रे दियंतु नाही। पारिवारिक सदस्यक सह उत्तम संपर्क बजाय रहिब। समस्त कळे झगडार मध्य अंत घटिब। आपण एही दिनरे निजर वाणी और बुद्धि द्वारा सामना लोकर मनकु जिणी पारिबे और निजर अधा अधुरा कार्य को सेमानंकर सहायतारे संपूर्ण करि पारिबे। एहा सह चंद्रमांकर चतुर्थ भागरे दृष्टि आपणंकु भौतिक सुख प्रदान करिबो। सुना गहना किंबा कोनोसी मूल्यवान वस्तु आजि क्रय करिबे। गृहिणी मानंक पई मध्य एही दिन गुडीक उत्तम सब्यस्त हेबो। संतान संततिक तरफरु सुखबर हस्तगत हेबो। केवल विद्यार्थी मानंक पई दिनटी मध्यम फलदायी सब्यस्त हेबो। निजर परिश्रम अनुसारे फल प्राप्ति करिबे। दाम्पत्य सुखरे वृद्धि हेबा सह लव रिलेशनशिप लोकंक पई मध्य दिनटी बेस्ट सब्यस्त हेबा। एबे जानिबा 11 ओ 12 तारीख विषय। चंद्रमा आपणकर एकादश भाग अर्थात आपणकर लाभ स्थान दे गोचर करिबे, जहा आपणकु चतुरता कूटनीति और चालाक प्रवृत्तिर करिबो। व्यापार और चाकरी दुईटी जाक क्षेत्र रे लाभवान हेबे। संतान सततिक तरफरु सुखबर हस्तगत हेबो। समस्त सरकारी कार्य रे सफलता प्राप्त हेबा सह पितामाता तथा गुरुजनकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त हेबो। एहा सह चंद्रमाकर पंचम भागरे दृष्टि रहिबा कारणरु गुप्तधन मध्य प्राप्त करिबे। किंतु फ्रेंड्स, एही दिन चंद्रमा और केतुंकर ग्रहण जोग स्थापना मध्य हेबो, जहा फळरे
ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଓ ଖାସ କରି ଭାତୃବିବାଦ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା 13 ଓ 14 ତାରିଖ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନଶିପରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଡେଲିର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ହୋଇଯିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କ ବିଷୟରେ। 8 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9 ରହିବ। 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3 ରହିବ। 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9 ରହିବ। 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2 ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସଠିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡିକୁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସପ୍ତାହରେ 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କେତୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାତଃ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା କିମ୍ବା ନିଜ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2020 ଏପ୍ରିଲ 8 ରୁ 14 ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।